वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को सोल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस, कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसी तरीके का मतलब सिमिलर न्यूमेरिकल, ठीक है ना, हमने इसी की सीरीज मतलब न्यूमेरिकल ऑन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी बात की थी, ठीक है। लेकिन वहां पर एक कमी थी, कमी तो नहीं मतलब न्यूमेरिकल को सही सोल्व किया था, लेकिन इसी न्यूमेरिकल के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके हो सकते हैं इसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के, ठीक है ना। किस तरीके से, अब यहां पर दोनों तरीके पढ़ेंगे, ठीक है ना, दोनों तरीकों से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहला तरीका कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का नाम क्या होता है, एलएमएन, सही बात है। बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एलएमएन का नाम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल। बस ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल में तो कुछ भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने, अब आगे पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल को। विच इज परपेंडिकुलर, जो कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू दी लाइन्स, दो लाइन नहीं परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन, ठीक है ना। इस बात का मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई लाइन मान ली, कहां पर, जैसे स्पेस में मान ली, ठीक है ना, स्पेस के अंदर कोई लाइन मान ली कुछ इस तरीके से, सही बात है ना, ए से बी कोई लाइन मान ली। अब ये मत समझना कि इसी तरीके की क्यों माननी, ठीक है ना, कि मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर अगर वाई एक्सिस मान ली कि मतलब वाई एक्सिस के ही पैरेलल क्यों माननी, ठीक है ना, ये सिर्फ ये कंफ्यूजन मत होना, कोई भी लाइन समझ लो, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है ना, कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू दी लाइंस, दो लाइन नो परपेंडिकुलर है, सेम लाइन, ठीक है ना, जो ये लाइन है दो लाइन नो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का हो सकता है कि मतलब कोई लाइन इस तरीके से हो सकता है कुछ इस तरीके से हो दूसरी लाइन, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा, कुछ इस तरीके से इस परपेंडिकुलर की बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि कोई इस तरीके की लाइन ड्रा करना चाहते हो हम स्पेस के अंदर, पर समझना हमें, ठीक है ना, सबसे पहले लाइन इस लाइन की जो लाइन मान रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक लाइन नाम रखना चाहते हो, नाम रख लो सी से डी, परपेंडिकुलर का मतलब है इस, ये एंगल है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, सही बात है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, वो चोइस है, मतलब हम कहां से देख रहे हैं वो बात डिपेंड रखते हैं यहां पर, ठीक है ना। और नॉर्मली हम इसको ओरिजन कहते हैं और ओरिजन से ऊपर देखते हैं नॉर्मली, इस वजह से मतलब इसका नाम परपेंडिकुलर। या फिर ये कंसेप्ट याद रखो, किसी लाइन पर टोटल एंगल 360 डिग्री, बेसिक सी बात है, तो ऊपर भी 180 डिग्री है, सिर्फ इसका नाम ऊपर वाले एंगल का नाम 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री है, सही बात है। तो यहां पर अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 हुआ, और इस वाले 90 का नाम है कि 180 से में से 90 माइनस कर दो, इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने मतलब एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब यहां पर कंसेप्ट अप्लाई करना है, सबसे पहला तरीका किस तरीके से कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने, किसके कि विच इज परपेंडिकुलर। अब कोई एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ, सबसे पहले तो एंगल बिटवीन एंगल की बात हो रही है, सही बात है ना, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है वो भी तो एक एंगल है, सही बात है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात हो रही है। और इस कंसेप्ट के एक रिमार्क्स में एक बात सीखी थी हमने, एक केस था, केस क्या था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उस केस की बात हो रही, उस केस के ऊपर डिपेंड है ये न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 डिग्री है, सही बात है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस के कंसेप्ट की बात करो मतलब फॉर्मूले की, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से था, कोस थीटा L1 L2 M1 M2 और N1 N2, लेकिन कब, जब डायरेक्शन कोसाइन की बात हो, ये फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में है, ठीक है। और यहां पर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 तो कोस 90 का रिजल्ट 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, सही बात है, कब, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और ये है डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में रिजल्ट, सही बात है ना। और इसी की फॉर्म कुछ इस तरीके से भी थी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो के बराबर, सही बात है, ये होता फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो की टर्म में, कब, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियो की टर्म का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का नहीं होता, वो तो उसके डिवाइड में दो मैग्नीट्यूड भी थे, अगर याद हो तो
दो मैग्नीट्यूड भी थे, ठीक है ना, दो मैग्नीट्यूड मतलब दो लाइनों के मैग्नीट्यूड, दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड कह सकते हो, वो चॉइस है। और यहां पर राइट हैंड साइड में जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाता है, इस वजह से बस पता होना चाहिए कि यहां पर एक्चुअल में डिवाइड में भी कुछ टर्म है, ठीक है। लेकिन जब दो लाइनों की बात करें, दो लाइन परपेंडिकुलर, इस केस में नीचे वाले फैक्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बस अब इस चीज का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने हमने, सही बात है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन्स, इस तरीके से जो प्रोपोर्शनल। अब अगले बेस की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू इनके। अब डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते किसके हैं, अब ये भी तो पता हो हमें। अगर डायरेक्शन रेशो की बेसिक कंसेप्ट या फिर इसके डेफिनेशन की बात करो, क्या थी डायरेक्शन रेशो? डायरेक्शन रेशो तो नंबर होते हैं, सही बात है, विच आर, इसकी डेफिनेशन ये हमने सीखी थी, विच आर प्रोपोर्शनल, सही बात है ना, विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, सही बात है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। या फिर ये फॉर्मूला याद रखो कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर है डायरेक्शन रेशो और डिवाइड में मैग्नीट्यूड, डिवाइड में मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक्चुअल में तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ठीक है ना, इनवर्सली तो नहीं, डायरेक्टली होंगे, ठीक है। जो यहां पर चॉइस सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा, ये प्रोपोर्शनल भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली। इस बात का मतलब पता है क्या, अगर कभी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी लिखा, इस बात का मतलब है अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, इसी तरीके से अगर ए का रिजल्ट घटेगा तो बी का रिजल्ट भी घटेगा, ये तो होता है डायरेक्टली। इनवर्सली के केस में इनवर्स लिखा है मतलब उल्टा हो जाएगा, और जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इनवर्सली के केस में अगर ए की वैल्यू बढ़ी तो बी की घटेगी, इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि ए की घट जाए बी की बढ़ जाए, तब भी इनवर्सली है, ठीक है। तो जो ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, बस पता होना चाहिए, या फिर कहो कि ये फॉर्मूला याद रख लो, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये मतलब प्रोपोर्शनल दोनों तरीकों का कैसे, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना, ये चीज सीखी थी पहले, ठीक है। बस यहाँ पर बस ये इस न्यूमेरिकल में तो सिर्फ इतनी बात हो रही कि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल तो है, होते किसके, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेशो के। तो कहने का मतलब जो ये वन ये वैल्यू दी हुई है ना, ये डायरेक्शन रेशो है। वर्ड तो न्यूमेरिकल में डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है, लेकिन है वो डायरेक्शन रेशो, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस अब कंसेप्ट की, अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशो दिए हुए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने दूसरी लाइन के, तो दूसरी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इन लाइनों के भी तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं कहां से, डायरेक्शन रेशो से और ये फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सोल्यूशन किस तरीके से, जैसे यहां पर दो लाइनों के डायरेक्शन रेशो गिवन है, किस तरीके से, जो भी वैल्यू गिवन हो वो डिपेंड करेगी न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है 1-1 और 2, ठीक है ना, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पर 2-1-1, ठीक है, कुछ इस तरीके डायरेक्शन रेशो गिवन है। तो क्या करना है, सॉल्यूशन की डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन कह सकते हो, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन गिवन है मतलब ये सब चीज है, फर्स्ट लाइन मान ली चोइस है कि फर्स्ट लाइन के बीच में, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन गिवन है किस तरीके से, 1-1-2, ठीक है। और डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड लाइन गिवन है यहां पर, ठीक है ना, किस तरीके से, 2-1-1, ठीक है, इस तरीके से बस यहां पर रिप्रेजेंट कर देना न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। दो लाइन मान ली, इनके डायरेक्शन रेशो दिए हुए, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन किसके बराबर होंगे, अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लो, डायरेक्शन रेशो ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है, नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बस तो क्या करना, ऊपर 1 नीचे इसी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कोसाइन से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, डायरेक्शन रेशो से मैग्नीट्यूड निकलता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें बार बार सीख चुके हैं कि डायरेक्शन रेशो से ही, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकलेगा, कभी डायरेक्शन कोसाइन से मत निकाल देना, फिर होगी गलत, ठीक है। तो बस यहां पर 1/2 क्या करना, स्क्वेयर रूट के अंदर इन सभी का स्क्वेयर करना है, इन सभी का स्क्वेयर करना है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से स्क्वेयर करना बस, ठीक है। या फिर इसी मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम होता है डिस्टेंस, सही बात है, डिस्टेंस,
या फिर कहो कि डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस निकलता है दो पॉइंटों के बीच में, और दो पॉइंट और पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का दूसरा नाम डायरेक्शन रेशो। तो इस वजह से ये डायरेक्ट बात करें हम कि डायरेक्शन रेशो से मैग्नीट्यूड क्यों निकलेगा, इस चीज का भी तो पता हो हमें कि मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस निकलेगा दो पॉइंटों के बीच में, और पॉइंट आ गए मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का नाम दूसरा नाम डायरेक्शन रेशो। बेसिक सी चीजें बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन कुछ इस तरीके से, कोमा ये डायरेक्शन रेशो नंबर थे, तीन नंबर है तो डायरेक्शन कोसाइन भी तीन वैल्यू आएंगी, सही बात है। तो बस कोमा या ऊपर माइनस वन, नीचे जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे इसका रिजल्ट कितना आएगा, यहां पर वन, यहां पर वन, और यहां पर फोर, मतलब स्क्वेयर रूट के अंदर सिक्स, फिर इस टू के नीचे स्क्वेयर रूट सिक्स, वो डिपेंड करेगा मतलब कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन लिख सकते हैं हम। तो क्या करना है, अब की बार इस वाले टू के नीचे स्क्वेयर रूट के अंदर इन्हीं का स्क्वेयर करना है, ऊपर वालों का स्क्वेयर मत कर देना, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, या फिर कहो कि इसका वेक्टर अलग है, सही बात है ना, लाइन कह सकते हो, वेक्टर कह सकते हो, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, और पॉइंट से वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, सही बात है ना। क्या करना था, आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो बस यहां पर क्या करना, टू का स्क्वेयर, फिर वन का स्क्वेयर, और फिर माइनस वन का स्क्वेयर, फिर वन के नीचे जो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे इसका स्क्वेयर रूट सिक्स है, और लास्ट का स्क्वेयर रूट सिक्स, यहां पर माइनस वन के नीचे यही फैक्टर रिपीट होंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं, अब जो जिस लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उसको थर्ड लाइन नाम दे लो, और लेट कर लो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, एल एम एन, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर है इन दो के, इन दो के जो लाइन परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन कोसाइन से ही हमें, और डायरेक्शन कोसाइन मानने पड़ेंगे एल एम एन, जिसकी रिप्रेजेंटेशन एल एम एन, या फिर कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मली एल एम एन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब थी दो लाइन परपेंडिकुलर, कौन कौन सी, फर्स्ट परपेंडिकुलर है थर्ड की, सही बात है, और एक बार फर्स्ट जो सेकंड है परपेंडिकुलर है थर्ड लाइन की, और ये बात थी गिवन। बस अब क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कोस थीटा बराबर या फिर जीरो बराबर है, डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई, तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो बस मल्टीप्लाई करनी है, और आगे इस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, और साथ के साथ इसका सेकंड मेथड भी जानेंगे, ठीक है ना, कि सेकंड मेथड किस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।